स्वामी शिव कृपानंदाय नमो नमः। ओम श्री स्वामी शिव कृपानंदाय नमो कृपानंदाय नमो नमः।
Shiva Kripa.
Shiva Krupa
कृपानंदाय नमो नमः। कृपया सबसे निवेदन है, आप सब शांति रखने में सबको सहाय करेंगे। सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें। अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यहाँ दादा गुरु की तस्वीर रखी गई है, ये तस्वीर का अनावरण हो रहा है। आप शांति से बैठे रहे और ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए। शांति बनाई रखने के लिए आप सबसे निवेदन है। सदगुरु श्री अपने हाथों से दादा गुरु के तस्वीर का अनावरण करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए दादा गुरु भगवान की जय, शिव बाबा महाराज की। अब ध्यान होगा, सबसे निवेदन है कि जहाँ पे आपको जगह मिल जाए अपनी जगह बना करके शांति से बैठ जाए। अभी ध्यान होने जा रहा है। अगर आपको अंदर जगह नहीं मिली तो पैसेज में ज़्यादा जगह है, आप वहाँ भी अपनी जगह ले सकते हैं। आपसे निवेदन, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता से प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अपनी जगह पर बैठे रहे। स्वामी जी अपने श्री मुख से ध्यान करा रहे हैं, इस ध्यान का पूरा पूरा लाभ उठाएं। पीछे कई बहनें खड़ी है, इसे निवेदन है अगर अंदर जगह नहीं है तो बाहर बैठिए, अंदर जगह नहीं है स्वयं सेवक से निवेदन है इसकी व्यवस्था करें, स्वयं सेवक भाई बहन से निवेदन है इसको बिठाने की व्यवस्था करें। ध्यान शुरू होने जा रहा है, अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठिए। बहन जी बैठिए, नमस्कार। अब ध्यान शुरू होने जा रहा है। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुजरात में करने का एक यही उद्देश्य था कि पिछले 3 साल से गुजरात अकाल का सामना कर रहा है, पर्याप्त वर्षा वहाँ नहीं हो रही है, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में किया गया। इसलिए जिस दिन मैं यहाँ पे आया उस दिन मैंने कहा था कि बरसात की समस्या छोड़ के बाकी समस्याओं पे बात करना, बरसात निश्चित रूप से आने वाली है क्योंकि कार्यक्रम ही उसको बुलाने के लिए किया गया है। उसने अपनी उपस्थिति दी, उसने आपकी भी परीक्षा ली, उस परीक्षा में आप सब सफल होके यहाँ पे पहुँचे हैं, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम मेडिटेशंस करने जा रहे हैं, ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान करने के पूर्व हमें अपने बाकी सब बाहरी आवरण उतार फेंकना पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेंगे, तभी ध्यान की गहराई तक हम पहुँच पाएंगे। इसलिए अब ध्यान की शुरुआत करने के पहले आप सिर्फ एक आत्मा हैं, आप सिर्फ आत्मा हैं, आप सिर्फ आत्मा हैं, यही एहसास रखिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। आप देखेंगे आप वास्तव में आत्म स्वरूप हो गए हैं, परमात्मा के उस स्वरूप को पा गए हैं जो आपके अंदर ही विद्यमान है। सर्वप्रथम हम 12 बार शिवोहम का उच्चारण करेंगे, सामूहिकता में शिवो
हाथ जोड़ेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मैंने मेरे जीवन में जो भी अज्ञानतावश पाप किए हैं, आज मैं आपसे उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अब आप अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दीजिए, जमीन को स्पर्श कराइए, जमीन को टच कराइए और अपना पूर्ण चित्त जमीन में गाड़ दीजिए, जैसे जमीन के 8-10 फीट नीचे का भी आपको दिख रहा है, इतना चित्त जमीन में डाल दीजिए। पूर्ण समर्पित हो जाइए, भूमि आपकी माँ है, आप आपके माँ के गोद में जिस प्रकार से आनंदित महसूस करते हैं, जिस प्रकार से सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा आनंदित महसूस कीजिए, सुरक्षित महसूस कीजिए और प्रार्थना कीजिए। हे भूमि माते, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर की सारी बीमारियाँ, सारे कुसंस्कार आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया मुझे एक पवित्र शुद्ध आत्मा बनाइए। अपने दोनों हाथ आकाश की ओर कीजिए। और कल्पना कीजिए आप खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। आकाश को पूर्ण समर्पित होते हुए प्रार्थना कीजिए। हे आकाश देवता, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर का सारा अहंकार, सारे सूर्य नाड़ी के दोष आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया मुझे एक पवित्र व विनम्र आत्मा बनाइए।
अब आप अपना लेफ्ट हैंड अपने लीवर पे रखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर रखिए और चित्त पूर्ण लीवर पे केंद्रित कीजिए। आप कल्पना कीजिए आप दांडी में समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, पूर्णमासी की रात है, पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा आपको दिख रहा है। ऐसे पूर्ण चंद्रमा को अपने चित्त में लाते हुए प्रार्थना कीजिए, हे चंद्र देवता, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आपके कृपा में मेरा चित्त पवित्र व शुद्ध हो, मेरा चित्त जो बार बार भौतिक सुखों की ओर जा रहा है कृपया उसे आत्मीय सुख पर केंद्रित करें। पूर्ण चित्त अपने नाभि पे रखिए, नाभि पे केंद्रित कीजिए और पूर्ण मन से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा कृपया मुझे पूर्ण समाधान प्रदान करें, पूर्ण शांति प्रदान करें, पूर्ण आत्म संतोष प्रदान करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने छाती के बीचों बीच लाइए, थोड़ा वहाँ दबाव दीजिए। दबाव देने के बाद 12 बार माँ जगदम्बा का स्मरण करेंगे, जगदम्ब 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 जगदम्ब। हे माँ जगदम्बे, मुझे आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है, मैं अपने आप को आपके सानिध्य में पूर्णतः सुरक्षित महसूस करता हूँ।
अब धीरे धीरे आपको आपके दोनों हाथ इस प्रकार से रखने के हैं, आपके दोनों अंगूठे आपके दोनों नाड़ियों पे आना चाहिए और दोनों हाथ गले पे रखते हुए थोड़ा दबाव दीजिए दोनों अंगूठों से। दबाव देके आप प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मेरा विराट तत्व जागृत कर दीजिए, मुझे मेरे कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। आपको धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपके आज्ञा चक्र पे लाने के हैं। पहले राइट हैंड रखने का है, फिर लेफ्ट हैंड रखने का है। थोड़ा सा दबाव दीजिए, वहां गर्दन नीचे झुकाइए, दोनों हाथ से दबाते हुए प्रार्थना कीजिए। हे गुरुदेव, आज मैं आपके समक्ष उन सभी आत्माओं को सच्चे हृदय से पूर्णतः क्षमा कर रहा हूं जिन आत्माओं ने मेरी आत्मा को सताया था, क्षमा किया। हे गुरुदेव, मैं मेरे आज्ञा चक्र के दोष निकालने में असमर्थ हूँ। आपकी कृपा में मेरे आज्ञा चक्र के सभी दोष दूर हो, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। अब अपना राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे रखिए, थोड़ा दबाव दीजिए वहाँ, 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। सर स्थिर रहेगा सिर्फ हाथ घुमाने के। उसके बाद में वहाँ पे दबाव देते हुए प्रार्थना करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र वो दिव्य आत्मा बन गया हूँ, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार स्थिति प्रदान करें। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार स्थिति प्रदान करें। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। अब धीरे धीरे आपको आपके दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाने के हैं, जमीन को टच करने का है, जमीन को स्पर्श करने का है और ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ले जाने के। फिर हाथ धीरे धीरे नीचे लाने के, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम धीरे धीरे। फिर जमीन को स्पर्श करने के हैं, जमीन को टच करने के हैं, फिर ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ले जाने के। ओ
फिर धीरे धीरे हाथ पीछे ले आइए, जमीन को टच करिए, जमीन को स्पर्श करिए, फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ धीरे धीरे नीचे लाइए, पहले लेफ्ट हैंड रखिए फिर राइट हैंड रखिए, अपने चित्त को अपने तालु भाग पे, अपने सहस्त्रार पे स्थिर कीजिए और ध्यान कीजिए। अब हम ध्यान में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सामूहिकता में। ओ सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अब हम दादा गुरु शिव बाबा को प्रार्थना करेंगे, वो आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपने चैतन्य की अनुभूति कराएं। श्री दादा गुरु शिव बाबा को हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में पधारकर अपने चैतन्य की ठंडे ठंडे लहरियों के द्वारा अनुभूति कराने की कृपा कीजिए, अनुभूति कराने की कृपा कीजिए, अनुभूति कराने की कृपा कीजिए। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, विश्व में सर्वत्र शांति हो, विश्व के सभी लोग सुखी हो, यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे, नमस्कार। अब स्वामी जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, बाद में हम सब उठेंगे, इसके बाद नीचे चाय और नाश्ता की व्यवस्था हो चुकी है, आप वहाँ जाकर के अपना चाय नाश्ता कर सकते हैं। अभी शांति बनाए रखे, स्वामी जी प्रस्थान कर रहे हैं। अब सबसे निवेदन है धीरे धीरे नीचे जाकर के नाश्ता और चाय की व्यवस्था हो चुकी है, आप इस सुविधा का लाभ लीजिए। नमस्कार। बाद में शायद आपसे निवेदन है आधे घंटे का ब्रेक अभी रहेगा, इसके बाद यहाँ आकर सबको अपना स्थान ले लेना चाहिए। सौने विनंती छे कि अर्धो कलाक नो विश्राम रहेशे, त्यार बाद फरी पाछो कार्यक्रम शुरू थशे, एटले जे कंईक नास्तो चा पाणी करवानुं छे ए करी अने आप पोतपोताना स्थान उपर उपस्थित थई जवा माटे निवेदन छे। हाँ, एक आप सबसे नम्र निवेदन है, यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए कार्ड दिया गया है, जिसके पास एक कार्ड है वो ही फोटोग्राफी कर सकते हैं।
इसलिए आप सबसे निवेदन है, अगर आप अपना कैमरे लाए हैं तो रख दीजिए, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ जिसको कार्ड दिया है वही लोग फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। अब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, स्वामी जी स्टेज पर पधारने वाले हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने जाने रही है। आप सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें। कई लोग बाहर खड़े हैं तो इसे निवेदन है कि अपनी अपनी जगह ले लीजिए। करते हैं शांति बनाए रखी, स्वामी जी बता रहे हैं। सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर अच्छी तरह से बैठ जाइए, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद करें। एक गायत्री मंत्र से एक कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता का नमन वंदन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। अब प्रार्थना से अपना कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कुमारी अंकिता पटेल और शीतल पटेल प्रार्थना रजू कर रही है। Bye.
अंकिताबेन पटेल और शीतलबेन पटेल को सुंदर प्रार्थना करने के लिए खूब खूब धन्यवाद।